I am Vishwajit Paul Budde, और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेटामॉर्फिक फेसेस। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो मेटामॉर्फिक फेसेस सुनते ही थोड़े बहुत डर जाते हैं यार, उनको ऐसा लगता है कि ये क्या चीज़ है। तो आज हम थोड़ा बहुत मेटामॉर्फिक फेसेस में अच्छी तरह से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसका लेंगे कि क्या होता है मेटामॉर्फिक फेसेस, विच डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स आर ऑकर इन योर मेटामॉर्फिक फेसेस। तो आपको एक जो डायग्राम सामने दिख रही होगी, दिस इज योर डिफरेंट इन्वायरमेंट ऑफ योर मेटामॉर्फिक फेसेस, और दिस इज अ डिफरेंट जियो थर्मल ग्रेडियंट ऑफ मेटामॉर्फिक फेसेस। तो जब हम मेटामॉर्फिक स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें व्हाट इज बी कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फिज्म वो हमें देखना है, ठीक है, कि क्या होता है मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म कैसे होता है और व्हाट वी कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फिज्म। सो बेसिकली देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ थ्री टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं, जैसे इग्नियस, सेडिमेंट और मेटामॉर्फिक। जो भी आपके रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक क्यों बनते हैं, बिकॉज जैसे ही अगर आप सरफेस के इंटीरियर और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाते हो, तो आपका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता है। नॉट ओनली द टेम्परेचर प्रेशर, वहाँ आपको केमिकल एक्टिव फ्लूइड भी मिलता है। एंड दैट थ्री एजेंट्स क्या करते हैं, आपके खदे इग्नियस रॉक को, सेडिमेंट रॉक को और मेटामॉर्फिक रॉक को इफेक्ट करते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट उसमें कुछ चेंज आता है, और जो भी चेंज आएगा और जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, दैट थिंग वी कॉल एज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेटा मीन्स, मेटा का मीन्स होता है चेंज, एंड फॉर्म इज योर, दैट इज योर मॉर्फ means forms, morphic means forms. So basically changes क्या होते हैं, अगर आप यहाँ देखोगे तो दो type changes होते हैं। जब आप भी आपका pressure, temperature और chemical active fluid का effect होता है, तो इसमें एक जो most of the और जो important changes होते हैं, that mineralogical change होगा और textural change होगा। जब भी mineralogical change होता है तो क्या होगा, जो भी आपका assemblages है, mineral assemblages है, अगर मैं example के तौर पर बताऊँ कि इसमें अगर आपका आपका जो सैंडस्टोन है, जो आपका सेडिमेंट रॉक इज गेट कन्वर्टेड इनटू द क्वार्ट्जाइट, जो भी आपका लाइमस्टोन रॉक है इज गेट कन्वर्टेड इनटू द योर क्या बोलेंगे मार्बल में ये कन्वर्ट होता है। जो भी आपको मिनरोलॉजिकल चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे, ओके, केमिकल अल्ट्रेशन नहीं लेकिन मिनरोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं आप जब भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक होगा, अगर उसको हम प्राइमरी तौर पर देखें। सो ड्यू टू द मेटामॉर्फिक रिएक्शन, इसमें आपको कुछ मिनरोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, ओके। सो बेसिकली मिनरोलॉजिकल चेंजेस आपको बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर में देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर आपको थोड़े बहुत उसमें मिनरोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड सेकंड है आपका टेक्सचरल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द टेक्सचर दे चेंजेस इन द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मिनरल, स्पेशली प्लेटिया एंड इलोंगेटेड ग्रेन। तो जो भी आपके टेक्सचरल चेंजेस होंगे, तो आपको मालूम है टेक्सचर क्या होता है, कि आपकी साइज, शेप और म्यूचुअल अरेंजमेंट ऑफ द योर मिनरल्स, और जो भी आपका रॉक है, रॉक क्या है, इट इज एग्रीगेट ऑफ द मिनरल, ओके। सो अगर वो मिनरल के साइज, शेप और ओरिएंटेशन में कुछ चेंज आता है ड्यू टू द प्रेशर, ओके, बेसिकली जो टेक्सचरल चेंजेस होते हैं ड्यू टू द प्रेशर, प्रेशर की वजह से होते हैं, और जो भी मिनरोलॉजिकल चेंजेस होंगे वो आपके टेम्परेचर की वजह से होते हैं, वहाँ के मिनरल असेंबलीज चेंज हो जाता है, ओके, ड्यू टू द डिफरेंट रिएक्शंस। सो जो भी आपका स्ट्रेस होगा, जो भी आपका प्रेशर, यहाँ तो इन्होंने बताया कि देयर इज अ डायरेक्टेड और डिफरेंशियल। सो जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर होते हैं, कुछ यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, यूनिफॉर्म बोले तो अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर ऑल साइड से प्रेशर आ जाए तो उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं, और डायरेक्टेड बोले तो क्या, जो भी आपका एक एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर वन साइड प्रेशर आ जाए तो दैट प्रेशर वी कॉल्ड एज द डायरेक्टेड प्रेशर और डायरेक्टेड स्ट्रेस, ओके। सो बिकॉज ऑफ द वन साइड ऑफ प्रेशर अगर यहाँ आता है, तो उसमें कुछ टेक्सचरल चेंजेस आएंगे, जो भी मिनरल आपके रॉक में प्रेजेंट है। सो ऐसे चेंजेस आते हैं तो टेक्सचरल की वजह से आप, बिकॉज ऑफ द प्रेशर की वजह से आपके टेक्सचरल चेंजेस होंगे, और आपके टेम्परेचर वजह से आपके मिनरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और जो भी चेंज से आपका जो रॉक बनेगा, दैट वी कॉल्ड एज द मेटामॉर्फिक रॉक। एनी रॉक फॉर्म अंडर द सेट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंज इन द एम्बिएंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। तो जो भी कौन सा भी रॉक है, अगर वहाँ प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन इंक्रीज हो जाती है, तो क्या करेगा, डिफरेंट, अगर प्रेशर अगर बहुत राइज हो जाता है और टेम्परेचर भी राइज हो जाता है, तो वहाँ कुछ उसमें चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिनरल बिकम अनस्टेबल एंड रिएक्ट और रिक्रिस्टलाइज टू फॉर्म अ न्यू सेट्स ऑफ द मिनरल। तो वही उन्होंने कहा है कि कौन सा भी आपका मिनरल्स होगा, वो जो अनस्टेबल हो जाएगा, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, जब ये मिनरल अनस्टेबल होता है तो ये क्या करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, या दैट पर्टिकुलर मिनरल गेट रिक्रिस्टलाइज। रिक्रिस्टलाइज का मीनिंग क्या है, फिर से रिक्रिस्टलाइज, फिर से क्रिस्टलाइज होना, दैट वी कॉल्ड एज रिक्रिस्टलाइज, ओके। और वो क्या करेगा, न्यू मिनरल्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये सॉरी जो भी चेंजेस आते हैं, तो दैट वी कॉल्ड एज द
मेटामॉर्फिक रॉक्स, और आपको क्या मिलता है, आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलता है। तो बेसिकली क्या होगा, चेंज होगा आपके पर्टिकुलर प्री एग्जिस्टिंग रॉक में, दैट वी कॉल इट द मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू द प्रेशर टेम्परेचर और केमिकल एक्टिव फ्लूइड। तो फेसिस क्या है कि उन्होंने क्या कहा कि इन जनरल मेटामॉर्फिक रॉक डू नॉट अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन। तो वही है कि जो भी आपका रॉक अंडर द टेम्परेचर, अंडर द प्रेशर या अंडर द केमिकल एक्टिव फ्लूइड आएगा, क्योंकि केमिकल एक्टिव फ्लूइड से आपका मेटासोमेटिज्म प्रोसेस होती है। बेसिकली जो मेटामॉर्फिज्म होता है वो आपका टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन से होता है, जो भी आपका मेटामॉर्फिज्म। तो जो भी आपका क्या कहेगा उन्होंने कि मेटामॉर्फिक रॉक डू नॉट अंडरगो सिग्निफिकेंट केमिकल चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म। तो केमिकल कंपोजिशन ज्यादातर चेंज नहीं होता है उसमें, मैंने वही कहा कि चेंजेस किसमें आते हैं, आपके मिनरल असेंबलेजेस में आते हैं ड्यू टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ऑफ द मेटामॉर्फिज्म। जहाँ अगर आप, मैंने वही कहा, अगर आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाते हो तो 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 1 किलो बार आपका प्रेशर इंक्रीज होता है, और ड्यू टू दिस चेंजेस इन द टेम्परेचर प्रेशर आपका जो रॉक होगा उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें मिनरल असेंबलेजेस चेंज होंगे या उसमें आपका टेक्सचरल अरेंजमेंट, जो भी मिनरल की टेक्सचरल अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। मिनरल असेंबलेजेस दैट ऑब्जर्व्ड मस्ट बी इंडिकेशन ऑफ द टेम्परेचर प्रेशर एंड एनवायरमेंट दैट रॉक वॉज सब्जेक्टेड टू। तो जो भी आपको मिनरल मिलता है आफ्टर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, वो हमें क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि वो कौन से इन्वायरमेंट में आपको उसका, कौन से इन्वायरमेंट में वो था, ठीक है, बराबर है ना, कि वो कौन से इन्वायरमेंट से आया है। क्योंकि अगर मैं आपको आगे जाके बता सकता कि अगर इग्नियस इंट्रूजन बॉडी होती है या नॉर्मल जो थर्मल ग्रेडियंट होता है, तो वो कौन से इन्वायरमेंट में आया है, या सबडक्शन जोन से आया है, या डाइवर्जेंट से आया है, या नॉर्मल जो थर्मल ग्रेडियंट से आया है, तो जो भी उसमें आपको आफ्टर द इफेक्ट ऑफ उसमें जो चेंज होगा, जो भी आपको मिनरल मिलेगा लास्ट में, जो मेटामॉर्फिक रॉक रॉक में जो मिनरल्स आते हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो कौन से इन्वायरमेंट से आए हैं। दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर इन्वायरमेंट रेफर्ड एज द मेटामॉर्फिक फेसेस, दैट्स इट। कि उन्होंने क्या कहा कि जो भी आपका, जो भी वो इन्वायरमेंट से आए वो कौन से प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन से गए। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि अगर आप सबडक्शन जोन की तरफ जाते हो, जहाँ भी आपकी एक प्लेट सबडक्ट होती है, योर ओशनिक प्लेट गेट सबडक्टेड बिलो द कॉन्टिनेंट, वहाँ क्या होगा, आपका प्रेशर ज्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है। वही अगर आप डाइवर्जन प्लेट पे जाओगे तो वहाँ आपका प्रेशर कम होगा, लेकिन जो मैग्मा इरोशन हो रहा है उसके वजह से आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट मिनरल्स आपको मिलते हैं, और वही हम किसमें स्टडी करते हैं, हमारे मेटामॉर्फिक फेसेस में स्टडी करते हैं। ओके, होप सो आपको ये समझा होगा। अगर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्या आप यहाँ देख सकते हो कि ये देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक मिनरल आर देयर। लाइक आपका एक ब्लू सिस्ट है, इक्लोगाइट है, तो फर्स्ट थिंग अगर आप यहाँ देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स किया है, आपका ये प्रेशर है लेफ्ट साइड को, और ये नीचे आपका टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू प्रेशर एंड टेम्परेचर हमने ये जो रॉक हमें मिले इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे आपका ब्लू सिस्ट है, ओके, और ये आपका इक्लोगाइट, तो ये ब्लू सिस्ट एंड इक्लोगाइट आपको कहाँ मिल रहा है, आपके प्रेशर हाई प्रेशर जोन पे मिल रहा है, क्योंकि आपका यहाँ प्रेशर जीरो है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो आपका प्रेशर क्या हो रहा है, आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ब्लू सिस्ट एंड जो भी आपका इक्लोगाइट है, जिसे हम क्या कहेंगे, इसमें हाई प्रेशर है, लेकिन ब्लू सिस्ट को हम क्या कहते हैं, दैट वी कॉल एज द हायर प्रेशर। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे हम इसको फेसिस को डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लो प्रेशर फेसिस, हाई प्रेशर फेसिस, ओके। सो अगर हम नॉर्मल तरीके से देखे जाए तो यहाँ आपको ब्लू सिस्ट और इक्लोगाइट में दोनों में हाई प्रेशर मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ टेम्परेचर का चार्ट देखिए, दिस इज 100 एंड दिस इज योर 1000 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, तो आपका ब्लू सिस्ट में तो कम टेम्परेचर आएगा ना, अगर आप ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख रहे हो, और इक्लोगाइट में ज्यादा टेम्परेचर आएगा, इसीलिए हम इक्लोगाइट को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कहते हैं, और आपके ब्लू सिस्ट को क्या कहेंगे, दैट इज अ हाई प्रेशर, क्या कहेंगे उसको, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मिनरल, सॉरी रॉक। सो अगर आप यहाँ देखते हो तो अगर आप इधर आओगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये भी जियोलाइट जो आपको यहाँ ग्रीन सिस्ट है, प्रेहेनाइट, पंपेलाइट है, एम्फेबोलाइट है, ग्रैनुलाइट है, ये क्या है, आपके मीडियम प्रेशर है, ये जो भी रहेंगे, नॉट जियोलाइट एंड प्रेहेनाइट पंपेलाइट, लेकिन जो ग्रीन सिस्ट है, एम्फेबोलाइट है और ग्रैनुलाइट है, ये आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या बता रहा है, ये आपके मीडियम प्रेशर फेसिस है या मीडियम प्रेशर रॉक्स जो आपको मेटामॉर्फिक में मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये देखो, अगर आप यहाँ 10 यहाँ आपकी डेप्थ भी दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे
अगर आप यहाँ 10 किलोमीटर डेप्थ है, अगर आप जैसे जैसे डेप्थ में जाते हो तो आपका ऑफकोर्स है कि अगर आपका क्या होगा कि प्रेशर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वही आप याद देख सकते हो कि आपका इक्लोगाइट एम्ब्लूसिस में आपका कितना डेप्थ बताया इन्होंने, या 50 किलोमीटर बताया है, तो ऑफकोर्स कि वहाँ आपका प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा भाई। ओके, सो वही अगर आप और नीचे आते हो तो आपको कुछ फेसिस याद दिख रही है, दैट वी कॉल द अल्बाइट इपिडोट हॉर्नफेल्स, हॉर्नबेंड हॉर्नफेल्स, पायरोक्सिन एंड सैनिडिनाइट। तो आप अगर यहाँ देखोगे इसमें अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम जाते हो तो आपको इसमें प्रेशर बहुत लो दिख रहा है। ओके, वही अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, हाई टेम्परेचर दिख रहा है। ओके, सो दिस इज योर हाई, क्या बोलेंगे हम, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर फेसिस दैट वी कॉल्ड द हॉर्नफेल्स, हॉर्नफेल्स जो भी आपको पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स है, सैनिडिनाइट है, ये क्या है आपके सब जो फेसिस है, ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर फेसिस है आपके, ग्रीन सीस, एम्फीबोलाइट एंड ग्रैनुलाइट, इट दिस वी कॉल्ड एज द क्या कहेंगे, मीडियम प्रेशर फेसिस। और जो भी आपके ब्लू सीस एंड इक्लोगाइट है, ये आपके हाई प्रेशर फेसिस में मिलते हैं, अगर हम प्रेशर के वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है। और जो भी आपके जियोलाइट एंड प्रेनेट पंपलेट में आपके आगे जाके इसको बताता हूँ। तो ये सिंपल डायग्राम है, मैं आपको और इसमें थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। अगर यहाँ 3 डॉटेड लाइन है, देर इज अगर हम एक एक क्या बोलते हैं, कंसेप्ट होती है दैट वी कॉल्ड एज द जियो थर्मल ग्रेडियंट, उसको क्या कहते हैं हम, जियो थर्मल ग्रेडियंट। तो जियो थर्मल ग्रेडियंट बोले तो क्या, अगर आप आपका ये सरफेस है, अगर आप सरफेस के नीचे जाते हो तो नॉर्मली और नेचुरली आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज होता है। सो दिस थिंग वी कॉल्ड एज द नॉर्मल जियो थर्मल ग्रेडियंट, हम कहते हैं ग्रेडियंट मीन्स लो, आपका टेम्परेचर प्रेशर जब आप सरफेस के नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सो दैट वी कॉल्ड द नॉर्मल जियो थर्मल ग्रेडियंट। यहाँ देखो, यहाँ तीन दिए है कि आपका एक हाई जियो थर्मल ग्रेडियंट है, नॉर्मल जियो थर्मल ग्रेडियंट एंड लो जियो थर्मल ग्रेडियंट। तो अभी अगर जियो मीन्स आपका जो भी आपका जियो मीन्स आपका रॉक्स और थर्मल मीन्स आपका टेम्परेचर, ओके, तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपका टेम्परेचर के बेस पे किया है। ओके, तो मैंने कहा कि अगर आप सरफेस के नीचे जाओगे तो आपका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा भाई, तो दैट वी कॉल्ड एज द नॉर्मली जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ आपका बताया है कि हाई जियो थर्मल ग्रेडियंट, दैट उसको ब्रैकेट में कहा है कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो जहाँ आपका हाई जियो थर्मल ग्रेडियंट होगा, अगर ये आपका सरफेस है, अगर यहाँ आपका एक मैग्मेटिक इंट्रूजन बॉडी आती है, तो ये मैग्मेटिक इंट्रूजन बॉडी आपका जो यहाँ जो साइड वॉल रॉक है, जो आपका कंटिन रॉक है, इसको जाके इफेक्ट करेगी, ठीक है। और मैग्मा का टेम्परेचर होता है आपका 1000 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो ये 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको किससे अफेक्ट करेगा, आपके साइड वॉल रॉक को अफेक्ट करता है, ओके, सो ये ध्यान में रखिए। तो ये थिंग को हम कहते हैं, हम इसे कहते हैं हाई जियो थर्मल ग्रेडियंट, क्योंकि जो भी आपका मैग्मा इंट्रूड होगा आपके कंट्री रॉक में, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके रॉक। तो ये रॉक का और आपके इसका जो कॉन्टैक्ट होगा, दैट वी कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, उसे कहते हैं, ठीक है। सो बिकॉज दैट वी कॉल्ड एज द हाई जियो थर्मल ग्रेडियंट। नॉर्मल किसने कहा मैंने, जो भी आपका सर्फेस के अगर आप नीचे जाते हो, सो दैट वी ऑल्सो कॉल्ड एज द रीजनल मेटामॉर्फिज्म। दिस इज द लाइक दिस कॉन्टैक्ट और दिस रीजनल मेटामॉर्फिज्म, दिस इज द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ओके, रीजनल का मीनिंग होता है बहुत बड़े अमाउंट में, हम उसको रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप और नीचे आते हो तो देयर इज क्या है, लो जियो थर्मल ग्रेडियंट है, दैट वी कॉल्ड इन द सबडक्शन। तो ये जो ए बी एंड सी जो भी यहाँ इन्होंने बताया, तो लो जियो थर्मल ग्रेडियंट बोले तो क्या, उन्होंने सबडक्शन जोन कहा। तो मैं आपको पहले ही कहा था, जब भी आपकी प्लेट, अगर ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये आपकी सबडक्शन जो भी आपका हुआ है ओशनिक प्लेट, क्योंकि ओशनिक प्लेट कभी भी सबडक्ट होती है, बिकॉज दे आर उसकी जो डेंसिटी होती है वो 3 होती है और आपके कॉन्टिनेंट की 2.7 होती है। तो जो भी आपका ये प्लेट सबडक्शन होगी आपके कॉन्टिनेंट के नीचे, तो ओशन क्या होता है, ओशन में वाटर होगा, तो ये क्या होगा कि नीचे अगर सबडक्ट होता है तो ये क्या करता है, वाटर क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा, ओके। लेकिन दोनों प्लेट अगर सबडक्ट हो रही है तो यहाँ हायर प्रेशर आपको देखने को मिलता है, ओके। टेम्परेचर लो क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ वाटर है, वाटर क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर देगा आपका टेम्परेचर, ओके। इसीलिए जब भी जहाँ भी आपका सबडक्शन जोन है वहाँ आपको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर मिलता है, ओके। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर लो है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि लो जियो थर्मल ग्रेडियंट। आपका टेम्परेचर नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम नॉर्मली जाते हैं, तो इसलिए हमने उसको नॉर्मल जियो थर्मल ग्रेडियंट कहा,
क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट में होता है, इसलिए उसको हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और हाई क्यू कहा था क्योंकि आपका जो मैग्मा था ये ऊपर आया। तो अगर हमने ये अकॉर्डिंग टू अगर डायग्राम देखे, देखो यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका बी है और यहाँ आपका सी है, ठीक है। तो इससे हम एज्यूम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके पिछले डायग्राम में दिखाया था, ये जो आपकी डायग्राम ये थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट डायग्राम है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो ए है ये क्या है, आपके जो भी आपका हॉर्नफेल्सिक फेसिस होती थी, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताई थी कि अल्बाइट इपिडोट हॉर्नफेल्स, हॉर्नबेट हॉर्नफेल्स, पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स एंड सैंडिनेट, जो भी ये फेसिस है ये क्या बताए उन्होंने, ए बताया। तो ए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, दैट वी कॉल इट द हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट, ओके। कि वहाँ क्या है आपका टेम्परेचर रहा है लेकिन प्रेशर लो है, क्योंकि जो भी आपकी मैग्नेटिक इंट्रूजन बॉडी यहाँ इंक्लूड होती है ये आपका टेम्परेचर बढ़ाती है, और ये जो भी होगा ये शैलो डेप्थ में होता है। तो अगर वहाँ शैलो डेप्थ है तो आपका प्रेशर तो वहाँ लो होगा ना भाई, यहाँ तो आपका प्रेशर लो है, टेम्परेचर क्यों बढ़ा, क्योंकि मैग्नेटिक इंट्रूजन बॉडी यहाँ इंक्लूड हुई और उसने किसको कॉन्टैक्ट किया, साइडवॉल रॉक को कॉन्टैक्ट किया और उसको अफेक्ट किया, ओके। इसीलिए जो भी आपके हॉर्नफेल्स होगा, ये हॉर्नफेल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ आपका मैग्मा इफेक्ट करता है तो यहाँ एक फाइन ग्रेन रॉक बनाता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये नियर टू द मैग्मेटिक जो भी आपकी बॉडी यहाँ एक रॉक बनाएगा, दैट वी कॉल एज द हॉर्नफेल्स। वहाँ इतना वो तो अलग बात है, हम टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में एक और एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दैट वी कॉल एज द हॉर्नफेल्स। तो ए क्या है आपका, ए जो भी होगा जो आपका क्यू कहाँ से बना है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म से बना है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर डोमिनेंट है, क्यों, क्योंकि वहाँ मैग्मा आया, और प्रेशर क्यों लो है, क्योंकि ये जो भी इंट्रूजन हुआ है ये शैलो वाटर बॉडी में हुआ है, तो इसीलिए उसको हम हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। वही अगर आप बी की तरफ आते हो तो बी कहाँ है आपका, यहाँ आपका बी है, तो ये लाइन देखो कहाँ से जा रही है आपकी, यहाँ से निकल रही है, जियोलाइट में आएगी, ग्रीन सिस्ट में आएगी, देन एम्फीबोलाइट में आएगी, ओके, और फिर यहाँ आपकी ग्रैनुलाइट में थोड़ी बहुत आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मल जो थर्मल ग्रेडियंट बोले तो क्या, जो भी अगर आपका एक सरफेस है, जो भी आपका एक सरफेस है, अगर ये आपका सरफेस यहाँ दिखाया गया है, तो अगर आप नॉर्मली नीचे आते हो, अगर नॉर्मल नीचे आते हो तो पहले आपको क्या मिलेगी, जियोलाइट मिलेगा, फिर आपको कौन सा मिलेगा, आपको जियोलाइट के बाद प्रेहनाइट पम्पेलाइट मिलेगा, देन आपको ग्रीन सिस्ट मिलेगा, ओके, देन आपको क्या मिलेगा, एम्फीबोलाइट फेसिस मिलेगी, देन आपको फिर ग्रैनुलाइट फेसिस मिलेगी। तो नॉर्मली अगर आप आते हो अकॉर्डिंग टू सरफेस, अगर नॉर्मली आते हो तो अकॉर्डिंग टू ये सीक्वेंस में आपको क्या मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फेसिस आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने ये बी क्या बताया है, दैट वी कॉल इट द नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट, जहाँ आपका प्रेशर भी हाई है और आपका टेम्परेचर भी हाई है, क्योंकि आप नॉर्मली सरफेस के नीचे जा रहे हो तो बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी सेम और इंक्रीज होंगे। वही अगर आप सी पार्ट देखोगे तो सी कहा है आपका, यहाँ है, कहा जहाँ आपका ब्लू सिस्ट फेसिस है और जहाँ आपका इक्लोगाइट फेसिस है। तो इक्लोगाइट एंड ब्लू सिस्ट में क्या बताया उन्होंने, जहाँ आपका हायर प्रेशर है और जहाँ आपका लोअर टेम्परेचर है। तो मैंने वही कहा होता है आपका सबडक्शन जोन में, क्यों होता है, क्योंकि आपकी ये सबडक्ट प्लेट होती है। तो अगर आप यहाँ से जाओगे, मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ, तो आगे जब जाते हो अगर आपने कहा, ठीक है एक मिनट इसको क्लियर करता हूँ पहले, तो अगर आप सबडक्शन वाइज देखने जाओगे, जब आप सबडक्शन देखते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको लो जो थर्मल ग्रेडियंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो भी आपका सबडक्शन का जोन है यहाँ आपका प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई होगा लेकिन टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि वाटर क्या करेगा, आपका टेम्परेचर लो करने का काम करेगा, ओशन में तो आपको वाटर होता है ना, तो वो आप सबडक्शन जोन में टेम्परेचर लो करेगा। इसीलिए आपको ये सबडक्शन जोन पे कौन से फेसिस मिलेगी, आपकी ब्लू सिस्ट एंड इक्लोगाइट। वही अगर आप नॉर्मल जो थर्मल ग्रेडियंट में जाओगे तो आपको पहले जियोलाइट मिलेगा या प्रेहनाइट पम्पेलाइट मिलेगा, देन ग्रीन सिस्ट, देन एम्फीबोलाइट आपको और देन ग्रैनुलाइट। लेकिन वही सबडक्शन जोन में जाओगे तो आपको पहले ब्लू सिस्ट मिलेगी, मैं आपको आगे के बताऊंगा, देन इक्लोगाइट मिलती है। वही अगर आप कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में जाते हो, जहाँ आपकी इग्नियस इंट्रूजन बॉडी है जिसे हम हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं, तो पहले आपको वहाँ हॉर्नफेल स्पेसिस ज़्यादा मिलेगी, जो भी आपका इपिडोट हॉर्नफेल्स होगा, जो भी आपका हॉर्नब्लेड हॉर्नफेल्स होगा, दैट डिपेंड ऑन योर कैसा आपका पैरेंट रॉक है, पैरेंट रॉक कौन सा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड पैरेंट रॉक को हम प्रोटोलिथ कहते हैं, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। सो ऐसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके फेसिस का, कौन से आपकी हाई जो थर्मल ग्रेडियंट, अगर हम उसको टेम्परेचर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, अकॉर्डिंग टू अगर टेम्परेचर कहते हैं तो हम इसको तीन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक अ हाई, नॉर्मल एंड लो जियोथर्मल ग्रेडियंट। होप सो आपको समझाओ। वही
वही ये पैराग्राफ में बता है कि आपको आपके ए, अगर आप देखोगे ए में आपको क्या होता है, आपकी इग्नियस इंट्रूजन बॉडी होती है, जैसे मैंने कहा था कि आपके मैग्मेटिक बॉडी होगी, बैथोलिथ होगा, जो भी होगा, वो क्या करेगा आपको हॉर्नफेल स्पीसीज दिखाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्नफेल दैट डिपेंड ऑन योर आपका जो प्रोटोलिथ होगा, पैरेंट रॉक होगा। जो भी आपका बी है, बी क्या दिखाएगा आपको, जियोलाइट फेसिस टू आपकी ग्रीन सीस्ट, एम्फीबोलाइट और रिक्लोगाइट फेसिस, और आपको ग्रैनुलेट फेसिस भी बताता है। तो ये क्या करेगा, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, डेप्थ ऑफ बरियल इंक्रीज, जितना आप डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फेसिस देखने को मिलती है, जियोलाइट टू द इक्लोगाइट और ग्रैनुलाइट टाइप ऑफ फेसिस। वही अगर आप इफ लियो जो लो जियो थर्मल ग्रेडिएंट में जाते हो, जैसे मैंने आपको सी कहा था, तो सी में आपको क्या मिलेगी, जियोलाइट भी मिलता है सी में, क्योंकि आपको आगे जाके बताता हूँ, जियोलाइट टू ब्लू सीस फेसिस एंड इक्लोगाइट फेसिस की तरफ हम जाते हैं। सो इससे हम डिटरमाइन करेंगे, वी नो द फेसिस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स इन अ रीजन, वी कैन डिटरमाइन द जियो थर्मल ग्रेडियंट मस्ट हैव बीन लैग टू टाइम एंड मेटामॉर्फिज्म ऑकर। ओके, ये क्या बताएगा कि जो भी आपका जियो थर्मल ग्रेडियंट कौन सा है, वहाँ कौन सा इन्वायरमेंट था, वहाँ इग्नियस इंट्रूजन बॉडी आई थी, वहाँ हम नॉर्मली रीजनल मेटामॉर्फिज्म में गए थे, डेप्थ वाइज गए थे, या वहाँ सबडक्शन हुआ था, ये हमें क्या बताएगा कि वहाँ कौन सा जियोथर्मल ग्रेडियंट था, आइदर हाई था, नॉर्मल था या लो था, कौन बताएगा आपको, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फेसिस मिल रहे, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स मिल रहे हैं, वो आपको वहाँ का इन्वायरमेंट भी बताएंगे, और वहाँ आपको उसका टेम्परेचर भी वो बताते हैं, अकॉर्डिंग टू अगर हम टेम्परेचर वाइज देखने गए। तो अगर हम प्रेशर वाइज देखने जाते हैं फेसिस को, तो देर इज अ फोर टाइप्स, लाइक अ फेसिस ऑफ अ हाई प्रेशर, फेसिस ऑफ अ लो प्रेशर, फेसिस ऑफ अ मीडियम प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर फेसिस। तो मैंने वही कहा है कि अगर आप फेसिस वाइज देखने जाते हो तो आपके दो फेसिस आपको इम्पोर्टेंट है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो एक आपका ब्लू सिस्ट होता है और एक आपका इक्लोगाइट होता है, ठीक है। तो जो भी आपके फेसिस ऑफ अ हाई प्रेशर फेसिस होंगे वो आपके दो होते हैं, दैट वी कॉल इट द ब्लू सिस्ट एंड इक्लोगाइट फेसिस। ब्लू सिस्ट फेसिस एरिया ऑफ अ लोअर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर, देखो ये लोअर टेम्परेचर है तो अगर यहाँ स्लैश आता है तो इसको हम का हायर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ब्लू सिस्ट कहाँ होगी, जहाँ आपका सबडक्शन जोन है, और मैंने आपको पिछले बार बताया जहाँ सबडक्शन जोन होगा वहाँ क्या होता है, आपका हायर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर होता है। वही अगर आप इक्लोगाइट देखते हो तो इक्लोगाइट क्या है, स्टेबल अंडर द नॉर्मल जियो थर्मल ग्रेडियंट। अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं तो आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, वही देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप, ये आपका सबडक्शन जोन है, ये देखो आपकी एक प्लेट यहाँ सबडक्ट हो रही है भाई, ओके। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ नंबरिंग दिए 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ आपको फेसिस दिए हैं, जो भी आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स दिए गए, लाइक जियोलाइट एंड ब्लू सिस्ट इक्लोगाइट सो। तो अगर आप सबडक्शन जोन की तरफ नीचे चलते जाते हो तो आपको पहले एक नंबर की फेसिस मिलती है, दैट वी कॉल्ड एज जियोलाइट। और अगर आप नीचे जाते हो तो आपको प्रेनेट पंपलेट मिलेगी, और नीचे जाते हो तो सबडक्शन जोन पे आपको तीन नंबर की फेसिस मिलती है आपकी ब्लू सिस्ट, और अगर आप और नीचे जाते हो तो आपको चार नंबर की फेसिस मिलती है, दैट वी कॉल्ड एज द इक्लोगाइट। तो आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप सबडक्शन जोन में जाते हो तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस आपको कौन सी फेसिस मिलती है, ओके। तो शैलो फेसिस मैंने आपको कहा था, शैलो बोले तो क्या, ये आपको जो भी आपकी जियोलाइट फेसिस है और जो भी आपकी प्रेहेनाइट पंपलेट फेसिस है, ये क्या है, आपकी शैलो डेप्थ में मिलने वाले फेसिस है और शैलो डेप्थ में मिलने वाले रॉक्स है, क्योंकि ये जो जियोलाइट एंड प्रेहेनाइट पंपलेट जो फेसिस या जो भी रॉक्स है, ये आपको लोअर टेम्परेचर लोअर प्रेशर पे मिलने वाले फेसिस है। इसीलिए आपको पहले जब आप शैलो डेप्थ में देखोगे तो ये दो रॉक आपको वहां देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर आप सबडक्शन जोन की तरफ जाओगे तो पहले आपको जियोलाइट मिलेगा, या नॉर्मल में भी अगर जाते हो, अगर आप यहाँ सरफेस अगर नॉर्मल में जा रहे हो तो यहाँ आपको जियोलाइट मिल रहा है, फिर प्रेनेट पंपलेट मिल रहा है नॉर्मली भी जाते हो तो। लेकिन अगर नॉर्मली जाते हो तो आपको यहाँ पांच नंबर का जो फेसिस है तो पांच नंबर का आपको ग्रीन सिस्ट मिल रहा है, देखो। और वही अगर आप और नीचे जाते हो तो आपको एम्फीबोलाइट फेसिस मिल रही है, ठीक है। तो हम इससे क्या अज्यूम कर सकते हैं कि अगर नॉर्मली अगर आप जाते हो तो आपको पहले जियोलाइट तो मिलने वाला है, फिर प्रेनाइट पंपलेट मिलेगा, देन आपको ग्रीन सिस्ट मिलता है। तो हमेशा आपको पूछा जाता है कि जब आप नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट जाते हो तो आपको फेसिस कौन सी मिलती है, तो पहले जियोलाइट मिलेगी, देन प्रेनाइट पंपलेट, एंड देन आपको कौन सी फेसिस मिलेगी, दैट वी कॉल्ड एज द ग्रीन सिस्ट एंड देन वी कॉल्ड एज द एम्फीबोलाइट। तो ये नॉर्मली जियोथर्मल ग्रेडियंट वाला हो। वही अगर आप सबडक्शन जोन की तरफ जाओगे तो सबडक्शन जोन में आपको पहले क्या मिल रहा है, आपको फर्स्ट जियोलाइट मिलेगा, देन प्रेनाइट पंपलेट मिलेगा,
देन आपको आपका सबडक्शन जोन, आपका जो ब्लू सिस्ट फेस, इट इज इंडिकेटर, जो भी आपका ब्लू सिस्ट रॉक है इट इज अ इंडिकेटर कि वहां आपको सबडक्शन हुआ है, ठीक है। और अगर आप और आगे जाते हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपका फोर नंबर का आपको इक्लोगाइट फेसिस मिल रहा है। वही इक्लोगाइट फेसिस आपको यहाँ नॉर्मल जियो थर्मल ग्रेडियंट और जो भी आपको ये जो दिख रहा है इट इज अर इग्नियस इंट्रूजन बॉडी के साइड में भी आपको ये मिल रहा है और नॉर्मली जियो थर्मल ग्रेडियंट भी आपको मिल रहा है, ओके। इसीलिए मैंने आपको कहा था इक्लोगाइट जो है, इक्लोगाइट जहाँ आपको हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है, क्योंकि आपको ये इग्नियस इंट्रूजन बॉडी इसको टेम्परेचर दे रही है और ये सबडक्शन जोन में, इसलिए आपको हाई प्रेशर है, तो इसलिए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। वही आपका ब्लू सिस्ट जो है, ब्लू सिस्ट के आपका ब्लू सिस्ट आपका हायर प्रेशर है और इसमें टेम्परेचर क्या है, लोअर है, क्योंकि ये सबडक्शन जोन पे आपको इंडिकेटिव आपका रॉक है, ओके। तो वही अगर आप देखना चाहोगे तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आपका हायर प्रेशर फेसिस है वो क्या है, आपका ब्लू सिस्ट निकलोगाइट। आपको ब्लू सिस्ट कहाँ मिलेगा, आपके सबडक्शन जोन पे मिलेगा जहाँ आपका टेम्परेचर सॉरी लोअर टेम्परेचर है और प्रेशर रहा है। वही आपका इक्लोगाइट कहाँ मिलेगा, आपको आपके स्टेबल अंतर नॉर्मल जो थर्मल ग्रेडियंट में मिलेगा और आपका जो सबडक्शन जोन है इसके डेप्थ में भी आपको आपका ब्लू सिस्ट मिलता है, ओके। सबडक्टर क्रस्ट में भी आपको वो देखने को मिलेगा। सो बेसिकली जो ब्लू सिस्ट इक्लोगाइट है वो आपको क्या है, फेसिस ऑफ अ हायर प्रेशर है। वही अगर आप फेसिस ऑफ अ मीडियम प्रेशर देखने जाओगे तो तीन मीडियम प्रेशर फेसिस होते हैं आपके, एक आपका ग्रीन सिस्ट, एम्फीबोलाइट एंड ग्रैनुलाइट। अगर आप एक्वाडोर टू डायग्राम भी देखते हो तो ये आपका प्रेशर है और ये आपका टेम्परेचर, ओके। तो आपको ग्रीन सिस्ट जो है, एम्फीबोलाइट जो है और ग्रैनुलाइट, ये क्या है आपके मीडियम प्रेशर फेसिस। क्या कहेंगे हम इसको, मीडियम प्रेशर, बिकॉज दे आर ऑकरिंग इन मीडियम प्रेशर। बट अगर ग्रीन सिस्ट एंड एम्फीबोलाइट इज अ मीडियम टेम्परेचर, वही अगर आप ग्रैनुलाइट देखते हो तो ग्रैनुलाइट क्या है उसका 900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आपका जो ग्रैनुलेट होता है आपको हमेशा पूछा जाता है ग्रैनुलेट क्या है, आपका मीडियम प्रेशर तो है लेकिन उसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर रहता है, ओके। सो आपका जो ग्रीन सिस्ट है, एम्फीबोलाइट एंड ग्रैनुलाइट है, इट इज अ मीडियम प्रेशर फेसिस। द ग्रीन सिस्ट एंड एम्फीबोलाइट फेसिस कन्फर्म टू टिपिकली जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो मैंने वही कहा आपको कि आपके सरफेस के अगर आप नीचे जाते हो तो पहले आपको जियोलाइट प्रेनेट पंपलाइट के बाद आपको पहले आपका ग्रीन सिस्ट मिलेगा एंड देन एम्फीबोलाइट मिलेगा, ओके। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि दैट इज अ टिपिकली जियोथर्मल ग्रेडियंट में आपको देखने को मिलता है। दिस इज वी कॉल्ड एज अ फेसिस ऑफ अ मीडियम प्रेशर लाइक अ ग्रीन सिस्ट, एम्फीबोलाइट एंड ग्रैनुलेट। पहले हमने टेम्परेचर पे देखा डिस्ट्रीब्यूशन और अब हम किस पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रेशर। वही अगर आप फेसिस ऑफ अ लोअर प्रेशर में आते हो तो मैंने वही कहा है कि आपको जो भी आपके अल्बर्ट एपिडोट हॉर्न फेल्स, हॉर्न बेंड हॉर्न फेल्स, पायरोक्सिन हॉर्न फेल्स फेसिस जो आपको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक टेरेन में ज्यादातर देखने जाते हैं, जहाँ आपका वेरी हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट होगा। मैंने आपको बताया जहाँ आपका मैग्मा होगा वहाँ आपको कॉन्टैक्ट होगा आपका मैग्मा के आपके कंट्री रॉक के साथ और वो शैलो डेप में होगा, इसलिए आपको वहाँ प्रेशर लो होगा लेकिन बिकॉज ऑफ द मैग्मेटिक इंट्रूजन बॉडी उसमें आपका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और आपको वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर फेसिस भी मिलती है जिसमें आपको बहुत मोस्ट हाई टेम्परेचर लेकिन लोअर प्रेशर देखने को मिलेगा। दैट वी कॉल्ड एज द सैनिडिनाइट फेसिस, जो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर में देखने को मिलती है। देखो इसका टेम्परेचर 300 टू 400 है, हॉर्नब्लेंड का 500 टू 600 है लेकिन सैनिडाइनाइट का टेम्परेचर 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सबसे ज्यादा हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर फेसिस मिलती है। तो जो भी आपका जहां भी आपका हॉर्नपेल्स आता है, सो यू हैव टू नो दैट आर रिलेटेड टू योर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और वहां आपका प्रेशर बिकॉज वो शैलो डेप्थ में होगा इसलिए वहां आपको लोअर होता है, ओके। दिस इज द थर्ड टाइप बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, हायर प्रेशर, मीडियम प्रेशर और लोअर प्रेशर। जब हम आगे जाते हैं तो वहां आपको फेसिस ऑफ अ लोअर ग्रेड्स। यहाँ ग्रेड का मीनिंग क्या है, ग्रेड का मीनिंग आपको यहाँ प्रेशर जो होगा आपका वो लोअर होगा और आपका टेम्परेचर भी लोअर होगा। जैसे अगर आप यहाँ देखते हो एक्वाडोर डायग्राम तो ये आपका जियोलाइट एंड प्रेनेट पंपलाइट फेसिस। तो ये मैंने वही कहा कि ये जो दो फेसिस है आपको शैलो डेप्थ में बहुत देखने को मिलते हैं और यहाँ आपका शैलो डेप्थ में आपका टेम्परेचर भी लोअर होता है और प्रेशर भी आपका यहाँ लोअर होता है। इसीलिए इट इज अ वेरी, उसको कहा है कि लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर फेसिस एंड इक्विलिब्रियम नॉट ऑलवेज अटेंड। जियोलाइट एंड प्रेनेट पंपलाइट फेसिस नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एंड ग्रीन सिस्ट फेसिस मे बी लोएस्ट ग्रेड ऑफ डेवलप इन द मेनी रीजनल ट्रेंड।
तो कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द शैलो डेप्थ, ये आपके जो शैलो डेप्थ होते हैं थियोलाइट एंड प्रेनेट पंपलेट के, और आपका ग्रीन सिस्ट फिर आता है, तो बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ये क्या हो जाते हैं, इरोर हो जाते हैं, वेदर हो जाते हैं। तो आपको अगर डायरेक्ट आप देखने जाओगे तो आपके सर्फेस पे आपको आपका ग्रीन सिस्ट फेसिस एक्सपोज हुए दिखता है। ओके, बिकॉज जियोलाइट एंड प्रेनेट पंपलेट आर शैलो, वो कभी कभी बिकॉज ऑफ द इरोजन वो इरोड आउट हो जाएंगे और कहीं जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आपको फर्स्ट फेसिस आपको नॉर्मल जो थर्मल अपग्रेड है, नॉर्मली अगर आप सर्फेस जाते हो तो आपको कभी कभी वहाँ ग्रीन सिस्ट फेसिस भी रीजनल टेरेंस पे देखने को मिल जाती है। ओके, सो हमने चार फेसिस बताए, पहले आपको हायर प्रेशर, मीडियम प्रेशर, लोअर प्रेशर, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्नफेल जो कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म देखेंगे, और फिर हमने देखा फेसिस ऑफ लोअर ग्रेड्स जो आपको शैलो डेप्थ में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज द जियोलाइट फेसिस और प्रेनाइट पंपलेट फेसिस। ओके, और ये एक आपका टेबल है, आपको हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जियोलाइट में आपको कौन से मिनरल देखने को मिलेंगे, प्रेनाइट पंपलेट में, ग्रीन सिस्ट में। दिस इज अ टेबल ऑफ योर मैफिक मिनरल्स, इसका ये मैफिक मिनरल्स का है। अगर मैंने कहा था कि देयर इज अ प्रोटोलिथ नाम की एक चीज होती है, प्रोटोलिथ मींस वी कॉल्ड एज द पैरेंट रॉक। ओके, जब भी आप फेसिस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोलिथ डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि आपका पैरेंट रॉक क्या था, कि अगर आपका पैरेंट रॉक अगर मैफिक रॉक है आपका, तो आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल असेंबलीज देखने को मिलेंगे। अगर आपका जो आपका प्रोटोलिथ वो पिलिटिक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिलिटिक, दैट पिलिटिक बी कॉल्ड एज द, जिसमें आपका एल्यूमिनियम रिच और एल्यूमिनियम सिलिकेट रिच, दैट बी कॉल्ड एज द पिलिटिक। जैसे भी आपका शेल होगा, जैसे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स है, जो आपका एल्यूमिनियम रिच है, दैट बी कॉल्ड एज द पिलिटिक पैरेंट रॉक। ओके, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोलिथ होते हैं, इसमें मैं आप बनाऊंगा एक वीडियो की प्रोटोलिथ क्या होता है, बेसिकली वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोलिथ होते हैं। ओके, कुछ कैलकेरियस प्रोटोलिथ भी होते हैं, लेकिन जो भी ये आपको मिनरल असेंबलीज दिख रहे हैं, लाइक ब्लू सिस्ट में आपको ग्लैकोफेन आपका क्या है, इट इज अ ब्लू मिनरल है, तो इसके लिए उसको ब्लू नाम मिला। ओके, इक्लोगाइट में आपको पायरो गार्नेट एंड ऑम्पेसाइट मिलता है, तो ऑम्पेसाइट आपका पायरोक्सिन है, जिसमें आपका सोडियम पायरोक्सिन है। ओके, या आपको काइनेट मिलता है, तो काइनेट इज अ इंडिकेटिव मिनरल ऑफ योर इक्लोगाइट। ओके, क्योंकि काइनेट आपका हायर प्रेशर मिनरल है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें है कि कैसे कैसे चेंजेस होते जाते हैं आपके मिनरल असेंबलेजेस में, और आपके टेक्सचरल कैसे कैसे चेंजेस हो जाते हैं। तो जो भी ये आपका जो भी चार्ट है, इट इज अ प्रोटोलिथ ऑफ अ मैफिक। जो भी आपका मैफिक अगर आपको प्रोटोलिथ होता है, उस पर अगर आपके डिफरेंट इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट करता है, लाइक अ सबडक्शन, लाइक अ रीजनल मेटामॉर्फिज्म, लाइक अ लो जियो थर्मल ग्रेडियंट, ओके, जो भी इसको फेसिस होंगे जिसमें भी चेंजेस आएंगे मैफिक मिनरल्स में, फिर आपको ये आपके ये फेसिस में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल देखते हैं। ओके, ये चेंजेस होता है फेसिस में। आपको खाली में इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि फेसिस एक्चुअली होता क्या है, कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड सो। ओके, तो एक टेबल है, इसमें आपको कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे एम्फीबोलाइट में, जैसे कि हॉर्नब्लेंड प्लेजोक्लिथ मिलेगा, ग्रैनुलेट, मैंने आपको कहा था कि ग्रैनुलेट आपका क्या है कि हायर टेम्परेचर मीडियम प्रेशर है, तो आपको ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लाइनोपायरोक्सिन मिलता है, ये प्लेजोक्लिथ मिलता है। तो ये डिफरेंट रिएक्शन की वजह से, ओके, और जो भी आपके बिकॉज ऑफ द प्रेशर टेम्परेचर मिनरल असेंबलीज कैसे चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आपको डिफरेंट फेसिस में डिफरेंट मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा एक दो मिनट में बताऊँ, तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल, जैसे अल्बाइट है आपका, या आपका जो भी आपका क्लोराइट है, यहाँ क्लोराइट है, एक्टिनोलाइट है, कैल्साइट है। ओके, तो ये देखो हर एक मिनरल की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनरल वो टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, जैसे कि आपका अल्बाइट है, अगर अल्बाइट में कहूँ तो अल्बाइट क्या है आपका, अल्बाइट दैट वी कॉल्ड एज द फेल्डस्पार, उसे हम फेल्डस्पार फैमिली का मेंबर है। वही अगर आप क्लोराइड देखो, क्लोराइड की अलग फैमिली होती है। अगर ऑक्टिनोलाइट देखते हो, तो ऑक्टिनोलाइट आपका किसका है, हॉर्नब्लेंड आपका एम्फीबोल ग्रुप का मिनरल। तो जो भी आपका बिकॉज ऑफ द आफ्टर द इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर टेम्परेचर, एक आपके मिनरल की एक बेरिंग कैपेसिटी होती है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर या टेम्परेचर एग्जर्ट करें, ठीक है। और वो एग्जर्ट करने के बाद एक उसका एक बेरिंग कैपेसिटी कि अगर आपका अल्बाइट 200 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है, लेकिन अगर आपने 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अल्बाइट क्या हो जाएगा, स्किप आउट हो जाएगा और वहां से निकल जाएगा। ओके, तो वही ये डायग्राम बताना चाहती है कि आपका अल्बाइट कहाँ से जनरेट होता है, जियोलाइट से जनरेट होगा भाई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका अल्बाइट कब होता है, जब आप इसमें ट्रांजिशन होता है, जब आप ग्रीन सिस्ट टू एम्फीबोलाइट फेसिस में जाओगे, तो आपका अल्बाइट क्या हो जाएगा, यह डिसअपीयर हो जाता है। ओके, वैसे आपका एक ओलिगोक्लेज नाम का प्लेजोक्लेज है, ये आपका कहा जो है, आप ग्रीन सिस्ट टू एम्फीबोलाइट ट्रांजिशन में जाते हो, तो ये आपका वहां जनरेट होता है,
लेकिन ये फिर आपका ग्रैनुलेट तक चलता है, क्योंकि जब अभी आप ग्रैनुलेट की तरफ जाओगे तो आपका टेम्परेचर तो यहाँ बढ़ रहा है ना। ओके सो ऐसा है कि जो भी आपके कुछ मिनरल्स होते हैं, अगर मैं आपको कंक्लूजन में बोलूँ, जो भी आपके मिनरल होते हैं ये फेसिस टू फेसिस में ट्रांजिशन में चेंजेस होते जाते हैं, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर बियर करेंगे, टेम्परेचर बियर करेंगे। वो अगर एक फेसिस से दूसरे फेसिस में जा रहे हैं तो आपका टेम्परेचर प्रेशर तो बढ़ेगा ना, अगर आप डेप्थ वाइज देखने जाओ तो, कि पहले आपका ज्वेलेट आ रहा है, फिर आपका प्रेनेट पंपलेट आएगा, देन एम्फीबोलेट आएगा, सॉरी ग्रीन सिस्ट आएगा, देन एम्फीबोलेट आएगा। तो जब आप ग्रीन सिस्ट से एम्फीबोलेट में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका प्रेशर टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है ना। तो कुछ मिनरल वो बियर करते हैं या कुछ मिनरल नहीं बियर करेंगे तो वो एस्केप आउट जाएंगे। जो मिनरल बियर करते हो तो लास्ट तक रहते हैं, ठीक है। तो यही है वो डायग्राम में आपको दिखाया है। ओके सो मैंने आपको वही कहा है कि जो भी आपका ये जो अगर हम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और प्रेशर वाइज देखने जाते हैं, बहुत अगर देखते हैं तो आपको यहाँ देख सकते हो कि आपका जो भी ग्लू सिस्टम इक्लोगाइट ये हायर प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, आपका टेम्परेचर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मिनरल है, ये आपका मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओके ये इसमें, और ये आपका लोअर प्रेशर है और आपका टेम्परेचर यहाँ आपको हाई देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी आपके ये रहेंगे, यहाँ आपको लोअर प्रेशर है लेकिन यहाँ टेम्परेचर हाई है, यहाँ आपका मीडियम प्रेशर है और आपका टेम्परेचर भी मीडियम है एक्सेप्ट ग्रैन्यूलाइट। वही अगर आप ब्लू सिस्ट और इक्लोगाइट को देखते हो तो ब्लू सिस्ट में आपका हायर प्रेशर होता है लेकिन टेम्परेचर आपका लोअर होगा क्योंकि सबडक्शन जोन पे मिलता है, और इक्लोगाइट में आपका बहुत हाई प्रेशर होगा एंड हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये आपका हायर प्रेशर है, ये मीडियम प्रेशर, ये जो भी फेसिस ये लाइन में आ रहे हैं और ये लाइन में जो भी फेसिस आएंगे ये आपको लोअर प्रेशर में देखने को मिलते हैं। ओके एंड मैंने जो भी आपको बताया है कि आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल जो थर्मल ग्रेडिएंट में जाओगे तो आपको कौन कौन से फेसिस मिलेंगे, मैंने आपको यहाँ लिखे ये कि ज़ियोलाइट प्रेनेट पंपलेट एंड सो ऑन। अगर आप सबडक्शन जोन पर जाते हो तो आपको कौन से टाइप ऑफ फेसिस देखने को मिलते हैं, लाइक पहले ज़ियोलाइट मिलेगा, देन प्रेनेट पंपलेट, देन ब्लू सिस्ट एंड देन आपका आपको इक्लोगाइट देखने को मिलता है। ओके तो मैंने बहुत कम टाइम में आपको ये समझाया, इट इज नॉट वेरी वास्ट टॉपिक, लेकिन होप्स तो आपको कुछ समझा होगा। अगर इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, और जल्दी ही मैं आपको इस पर एक और एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा, थोड़ा बहुत प्रेशर सर जो भी आपका फेसिस होगा। ओके सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।